Good morning everyone, this is day 3 and we are at Nako. It's a beautiful place. So Nako एक छोटा सा village है, वहाँ से उसका entry point है और that is the village. उसी village के बीच में एक Nako lake भी है जो कि हमने आपको कल दिखाई थी. And उस corner में monasteries हैं, the old and the new monastery. हम इस homestay में रुके हुए हैं यहाँ पे, Prem Tara homestay. Homestay dining setup. बहुत ही सही जगह लगी यार मुझे तो Nako. यहाँ का टेम्परेचर अभी चल रहा है 22 डिग्रीज एंड यहाँ का ऑल्टीट्यूड है 3500 मीटर्स. आई वुड से इट्स अ मस्ट विजिट अगर आप स्पिति ट्रिप पे आए हुए हैं तो. टाइम हो चला है, वी हैव टू मूव नाउ. मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग आज जाएंगे टाबो एंड देन काजा. And we are leaving Nako. और अभी हम निकल पड़े हैं ताबो के लिए, which is around 63 kilometers, 2 hours from here. उसके बाद फिर आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ पे जाना है. बट यार Nako का एक्सपीरियंस तो बहुत ही जबरदस्त था. बहुत मजा आ गया. क्या सीनरी, क्या होम स्टे, एवरीथिंग वॉज गुड. चलते हैं फिर रोड की तरफ. क्या रोड, क्या व्यू, ऑसम. ग्लेशियर पॉइंट. लैंड ऑफ लामा, डू नॉट बी गावा. यार हॉर्न सुनो यार, थार का हाइट पे आके क्या हो जाता है. व्हाट इज दिस. बट एक चीज है भाई, डिफरेंस होता है क्या लद्दाख और स्पीति के, इसमें तो देख रहा हूँ मैं. लद्दाख में आप चढ़ते हो ऊपर ठीक है, ये ना बिल्कुल स्टीप है. एकदम ऊपर चढ़ते हो, एकदम नीचे उतर रहे हो, उसमें धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं. ऐसा थोड़ा स्लांट में होता है ना, तो उसमें थोड़े शॉर्टकट्स भी आ जाते हैं बीच में. ये तो स्लांट है ही नहीं. सुन दो यहाँ पूरा सुनसान, किन्नौर जैसी ट्रेन होगी फिर से. सुंडो आने वाला है 6 किलोमीटर. और फाइनली हम लोग पहुंचे सुंडो, जो कि स्पिति वैली का एंट्री पॉइंट है. एंट्री करानी अगर आपके पास टाइम हो तो सुंडो के बाद ग्यू मॉनेस्ट्री के लिए राइट लेके आप एक 500 इयर्स ओल्ड बुद्धिश मॉन्क की नेचुरली प्रिजर्व्ड मम्मी को देख सकते हैं. भैया अकेला आदमी क्या कर रहा है ये रास्ता. इंटरेस्टिंग. सुंडो के बाद वाली जो रोड्स हैं, तो मतलब स्पिति एंटर करते ही काफी पतली और थोड़ी सी रिस्की हो गई हैं. रोड्स तो डेफिनेटली पतली हो गई हैं स्पिति वाली. रास्ता तो देख लो. तुम्हारे साथ डर नहीं लगता है? ये रास्ता कैसे चेंज हुआ एकदम से? देखा वहाँ के हरियाली घर घुर थे, फिर बंजर से निकल रहे. हाँ ओहो हो. ऊपर बारिश के बाद नारी विलेज स्पिति होम स्टे, ये भी एक जगह है रहने के लिए.
सो आइए बताइए हम कहाँ पहुँचे। ताबो पहुँच गए हैं अभी हम नाको के बाद, तो लेकिन छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ जाने की जगह है। यहाँ पे मोस्टली मोनेस्ट्री है मेरे ख्याल से, और इस पहाड़ पे केव्स है। Let's move. Let's go to the monastery. Cool. ताबो मोनेस्ट्री, वो ये तो गेट है। ताबो मोनेस्ट्री इंडिया की ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग मोनेस्ट्री है, विच इज़ मोर देन 1000 ईयर्स ओल्ड। इस मोनेस्ट्री को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है। ओल्ड मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर है 9 टेम्पल्स, 4 स्तूपास और शांति ही शांति। ताबो मोनेस्ट्रीज के अंदर भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। हमने इन दोनों मोनेस्ट्रीज में थोड़ा पीसफुल टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम चल दिए द फेमस ताबो केव्स की ओर, जहाँ पे पुराने जमाने में मॉन्क्स मेडिटेशन करते थे। बस यू हैव अराइव्ड टू ताबो केव्स। यही है। छोटू सा ट्रैक हो गया। इसके अंदर कहाँ, आगे से जाना है आंटी, इधर से? अच्छा, यहाँ ऊपर केव्स के पास ये एंशिएंट टेंपल भी ASI प्रोटेक्टेड साइट है, जहाँ पे लोकल्स प्रेयर और मेडिटेशन के लिए आते हैं। लेट्स सी द केव्स। कितने सारे केव्स हैं। तो ये केव्स इसमें कहते हैं कि पुराने जमाने में मेडिटेशन करते थे। ऐसे बहुत सारे केव्स हैं यहाँ पे। दिस इज द ताबो सिटी। वाला और इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। सिमिलर केव्स ऑल ओवर, पूरा लेफ्ट एंड राइट एंड साइड पे इसके केव्स ही केव्स हैं। देख के उधर ना, सीधे नीचे पर पहुंच जाना। वाह। तो दीपिका ने अभी अभी हेलीपैड स्पॉट किया है। दैट्स द हेलीपैड एंड दीस टू आर द मोनेस्ट्रीज, द न्यू वन एंड द ओल्ड वन। और ये सारी इरिगेशन है मोस्टली ग्रीन पीस की। ब्यूटीफुल प्लेस यार। लेट्स गो बैक टाउन। आ जाओ। क्या रास्ता है यार, कहाँ गई कहाँ गई। ये बहुत सारी क्रिकेट है यहाँ पे। हाँ चल, चुप रहे हो। ब्यूटीफुल वे यार, ब्यूटीफुल। एक छोटा ट्रेल और दिखा, अब इस पे जा रहे हैं। इन छोटे ट्रेल्स और केव्स को कवर करने के बाद हम चल दिए वापस अपने रास्ते की ओर। रिवर तक जा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, पत्थर लगाया है ना। सो कोल्ड। वो हो विलेज, वही पत्थर वाले घर। बट वही है जहाँ पे भी बसाव है ना, तो वहाँ इन्होंने खेती भी मतलब उगा ही दिया है। या बसाव ही ऐसी जगह है जहाँ उग सकता है। क्रिकेट चल रहा है यहाँ से, ऐसा चलते मैच चल रहा है। पता मैंने क्या रियलाइज किया, ट्रैवलिंग इन स्पीति वैली या लद्दाख ना, इट्स अ कल्चर।
पीपल फॉलो इट, पीपल रेस्पेक्ट ईच अदर. वो ऐसे देखते हैं उसको, अरे मैं आया, मैं ये मैं इस तरह ये भी आया, तो नीचे गाड़ियाँ चलाना, एक दूसरे की हेल्प करना, याक भाई याक. भाई मैं पूरे लद्दाख ट्रिप में याक नहीं देख पाया था, छोटे बड़े सारे याक है. याक है ना ये? याक और डीमो. डीमो? ये छोटे वाले डीमो है क्या? याक भी है, डीमो भी है. डीमो क्या होता है? डीमो इससे याक पैदा होते हैं ना जी. फीमेल जो होता है वो डीमो होता है. फीमेल डीमो. अच्छा. याक जो है मेल. अच्छा अच्छा अच्छा. ओके. याक एंड डीमो. याक एंड डीमो सिखाया आपने? हां. तो मारेंगे तो मारेंगे. जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बर्फ पड़ी रहती है आधे साल और लैंड स्लाइड है, उन रोड्स को बना ही नहीं पाते, उनको बस ये ऐसी मेंटेन करते हैं कि बस गाड़ियाँ पास हो जाए. कुल मिला के स्पीति शायद इसीलिए फेमस है, थोड़ा सा टफ रोड. धनकर राइट, काजा सीधे. लेट्स गो टू धनकर. काजा चलेंगे बाद में. लेट्स एक्सप्लोर धनकर गोंगपा. भाई ऐसा रास्ता होने वाला है क्या? अरे वाह, दिस इज इंटरेस्टिंग. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. बस इतना ही था. और सुंदर रास्ता धनकर को जाता हुआ. बर्फीले पहाड़. कितनी ठंड हो गई. और धनकर मोनेस्ट्री के अमेजिंग स्ट्रक्चर के साथ हमें देखने को मिलता है पिन रिवर और स्पीति वैली का कॉन्फ्लुएंस. जा रहे हैं धनकर विलेज, जो कि धनकर. हियर वी कम. गाड़ी खड़ी कहाँ होगी भाई? सच में कैसे से घर लगा है? स्ट्रक्चर देखो इसका ना, मतलब पहाड़ के साथ साथ ही चिपका के बनाई हुई है. धनकर मोनेस्ट्री को एक किले की तरह इस पहाड़ पे बनाया गया है जो कि अराउंड 1000 years ओल्ड है. एंड अगेन नो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड इनसाइड द मोनेस्ट्री. चट्टानों के साथ बनाया हुआ है इसको. माउंटेन के साथ, पहाड़ों की माउंटेन. अमेजिंग. धनकर में पानी की कमी होने की वजह से पब्लिक टॉयलेट्स की हालत काफी खराब रहती है. एक होम स्टे में रिक्वेस्ट करने के बाद एक वॉशरूम मिला जो कि डार्क स्केरी और ड्राई टॉयलेट था. जाने का ऑप्शन है, आई डोंट नो, देखते क्या है. ऑल्टीट्यूड इज ऑलरेडी 3756 meters. फाइनली एट द टॉप पॉइंट. हम वहां से आए हैं ऊपर चढ़ चढ़ के, और वो जो रोड है वो है काजा रोड जिस पे हम वापस जाएंगे. ये मोनेस्ट्री का रास्ता धनकर. दिस वे इज टू स्केरी. लुक एट इट. स्केरी.
धनकर मोनेस्ट्री के अलावा यहाँ पे है धनकर लेक, जो है अराउंड 2 hours का एक छोटा सा ट्रैक। टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हमने काजा की तरफ निकलना सही समझा। भाई ये तो बहुत ही रिमोट है यार, ये तो मतलब यार कैसे मतलब मानना पड़ेगा यार, ये सारा वही है, भक्ति है, भक्ति नहीं रोका हुआ इन लोगों ने, और किस किस लिए रह रहे हैं बाकी। फन बिगिंस येट अगेन। रिंग धनकर हम उधर से चढ़े हैं ऊपर, और अब ये देखो इधर, अब हम माउंटेन के दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, जाना है। अब हम यहाँ से नीचे उतर जाएंगे, नीचे काजा की रोड चल रही है, हमने ये ऑफ रोड ली थी। ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। सिटी क्यों मार रहे हैं? जाने को कह रहा है। क्या बोल रहा है? अरे यार पत्थर है यहाँ तो, अच्छा ये हटा देगा। Seriously, he's removing it. Wow, yeah. Chocolate दे दे इसको। है ये रहा ना साइड में। बता। ये काजा का रास्ता है ना? काजा काजा ना? काजा। काजा। ये लो। Thank you. ये isolated और remote रास्ता है। यहाँ के लोग घूमने को definitely अपने बीती और अपने सब चीजों के ऊपर। यार ये निकलेगी कैसे गाड़ी? ये लोग तो नेक्स्ट लेवल एडवेंचर कर रहे हैं कपल्स, बाइक पे अकेले यार, मतलब गर्मी सर्दी बारिश, आइसोलेटेड एरिया यार। आई होप हमें नीचे ही जाना होगा, बोर्ड पे मरना पड़ेगा। लालू डनकर काजा नीचे। वापस काजा के रास्ते में आ गए, बोलते हैं यार थोड़ी देर में काजा आ जाएगा। हमने आज ताबो कर लिया और धनकर कर लिया। धनकर तो भाई अलग ही एक्सपीरियंस होता है, और लोगों की इतनी टफ लाइफ, मतलब कैसे वहाँ पे, और जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे मोनेस्ट्री का, वो ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ स्पिति एरिया, 1100 years ओल्ड ऐसे ही बताया उन्होंने वहाँ पे। और ताबो थोड़ा सा फ्लैट एरिया में लगा, थोड़ा सा इजियर लाइफ, बट इंटरेस्टिंग था। वाओ ये देखो भाई, ये भी देखो, ये भी ले रहा है ऑन कैमरा आगे। देखो ये पूरे वक्त ये करते हुए जाती है दीपिका जी। अरे कोई बात नहीं, अब तो हो गया। ओ वो एकदम प्रेशराइज उसमें हो गया, हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से। ये तो है, पता नहीं क्या ठंड इतनी होती है, या तो घर में बैठे रहते हैं। दिन के टाइम पे भी तो एक लोग नहीं देखेंगे बाहर भी। कल भी वहाँ पे भी नाकों में भी ऐसी था, पूरा गांव ऐसा लग रहा था खाली, आधा बंदा भी नहीं दिख रहा था वहाँ पे। ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं वो जिसपे मोनेस्ट्रीज वगैरह कंस्ट्रक्शन करते हैं वो लोग, है ना, ऐसे ये स्ट्रेट वाले, बट इंजीनियरिंग मार्वल है वो तो। क्या कैसे 1000 साल पहले वो कैसे, कौन इतना मेहनत कर रहा होगा इतनी हाइट पे ले जाके वो पत्थर ले जाके। काजा में आपका स्वागत है, वेलकम टू काजा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है भाई। हम पूरे काजा को एनालाइज करेंगे तब डिसाइड करेंगे कहाँ रुकना है। बहुत है आखिरकार हम एक पेट्रोल पंप पे पहुंचे, काजा पेट्रोल पंप वेरी बिजी, और काजा पहुंच के काफी सारे होम स्टेज चेक करने के बाद हमने होटल विंटर वाइट फाइनल किया है। गोइंग इनसाइड एंड शो यू द रूम, कम ऑन डूड लेट्स गो इनसाइड। और एक ट्रैक शुरू होता है रूम पे जाने के लिए,
आई थिंक ताबो में इतना नहीं चढ़ना पड़ा होगा। नहीं नहीं अभी नहीं, और ऊपर। नहीं नहीं कम बैक कम बैक, ट्रक इज नॉट ओवर इट टू रीच योर रूम। हाँ वैसे अच्छा बनाया हुआ है फॉर अ ग्रुप। हाँ अरे आ गए। बस यही है सब कुछ, इसलिए चढ़े हम इतना ऊपर द ट्रैक। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। स्पीति रिवर हमारा साथ नहीं छोड़ रही। स्पीति रिवर सामने आइस हॉकी का, विंटर्स में सही होगा यहाँ सामने आइस हॉकी देखो बैठ के। कितनी मेहनत करी है लोगों ने ऊपर चढ़ के, पेंटिंग करी है। This is what Kaza is, and that's the Kaza Monastery. Kaza का भी altitude दिखा रहा है, 3543 meters, almost similar to Nako. But Nako क्योंकि remote area में था तो Nako better लग रहा था, है ना? Yeah. ये Kaza is more commercialized. मतलब सब कुछ ही है यहाँ पे, तो यहाँ petrol pump भी है, market भी है, everything is there. So ठीक है, बढ़िया व्यू मिल गया हमको। एंड इट वॉज टाइम टू अनवाइंड विद दिस ब्यूटिफुल व्यू एंड सम हॉट एंड टेस्टी फूड। एट द एंड ऑफ द डे वी फाउंड स्पीति टू बी अ यूनिक ब्लेंड ऑफ पीस एंड एडवेंचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।